कभी नान रोटी महंगी तो कभी गैस लोड शेडिंग, शहरियों के लिए एक के बाद एक मुश्किल। एलपीजी के बाद सीएनजी भी नायाब, लाहौर समेत सुबह भर के सीएनजी स्टेशन 12 रोज के लिए बंद। सीएनजी स्टेशन 10 जनवरी तक बंद रहेंगे। ₹12 का हो गया नान, क्या ये है नया पाकिस्तान? नान रोटी की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शहरी सड़कों पर, मुस्लिम टाउन वादत रोड पर शहरियों का एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, कीमतों में कमी का मुतालिबा। मेट्रो बस सर्विस लावारिस तब्दील, सरकार के दौर में मेट्रो बस के बेशतर स्टेशन के बर्फी सीने 6 माह से बंद। ट्रैक भी टूट फूट का शिकार, इंतजामिया खामोश। मरीजों और बुजुर्ग मुसाफिरों को शदीद परेशानी, सीढ़ियां चढ़ना महाल। हुकूमत रिलीफ देने की बजाय सहूलतें छीन रही है शहरी। शाहआलम मार्केट में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन कमेटी की नजर, 3 हफ्तों से जारी ऑपरेशन में बासर सियासी प्रेशर आड़े आ गया। इंतजामिया की जानिब से रोके गए ऑपरेशन की वजूहात सामने आ गई। बरामदों में मौजूद गैर कानूनी 100 से ज्यादा दुकानें मिसमार की गई। अदालत मदाखलत ना करे तो मामला इल्तवा का शिकार हो जाते हैं। समरी वजीर आला पंजाब के पास पड़ी रहती है, बहुत सी समरीज ऐसी हैं जो 2 घंटे भी नहीं रुकनी चाहिए। न्यागाज डैम की तामीर से मुतालिक चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, वफाकी हुकूमत से डैम की तामीर से मुतालिक टाइम स्केड्यूल तलब। आपको इफ्तिताह करने की जरूरत होती है, हमें डैम की तामीर का टाइम फ्रेम दें। पानी और सेहत के मामलों में इल्तवा बर्दाश्त नहीं, ब्यूरोक्रेसी की वजह से मामला इल्तवा का शिकार ना हो। चीफ जस्टिस वफाकी वजीर फैसल वाडा और खुसरू मुख्तियार अदालत में पेश। अली रजा आबिदी के कत्ल में बानी मुतहदा मुलव्विस है, फैसल वाडा का दावा, सिंध हुकूमत सो रही है, हर पाकिस्तान की जान अहम है, कातिलों को जमीन खोद कर भी निकाल लेंगे। आसिफ जरदारी ने कल सुप्रीम कोर्ट पर बराह रास्त हमला किया, फैसल वाडा की गुफ्तगू। खोखर बरादरान के खिलाफ एराजी पर कब्जों से मुतालिक केस, चीफ जस्टिस ने कंसोलिडेशन ऑफिसर नवीद आलम को कमरा अदालत से गिरफ्तार करवा दिया। महकमा रेवेन्यू और दीगर महकमों के मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। लॉर्ड मेयर को सपहर 3 बजे तलब किया। LDA खोखर पैलेस का दौरा करके रिपोर्ट जमा कराए चीफ जस्टिस। हाईकोर्ट के अहकाम के बावजूद बगैर हेलमेट के मुख्तलिफ पंप्स पर पेट्रोल की फराहमी जारी। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल दिया जाने लगा। शेनावाला गेट के शेल पंप पर मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल की फराहमी। शहबाज शरीफ पर करप्शन के इल्जामात हैं, चेयरमैन PAC बनाना गैर कानूनी है। शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाने का इकदाम हाईकोर्ट में चैलेंज। अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने दरखास्त दायर कर दी। ख्वाजा साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मामला, हाईकोर्ट ने वफाकी हुकूमत, स्पीकर कौमी असेंबली और दीगर फ्रीकैन से जवाब तलब कर लिया। साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर से मुतालिक रिकॉर्ड भी तलब। हसन इकबाल ने फिर अदलिया के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी, तहरीर अदालत की कार्रवाई की जाए। हसन इकबाल के खिलाफ अजहर सिद्दीक एडवोकेट की जानिब से हाईकोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। कमाई ज्यादा टैक्स कम, FBR की रहीम स्टोर की दोबारा मॉनिटरिंग का दूसरा रोज। रहीम स्टोर की 4 घंटे की सील, 30 लाख रुपए रिकॉर्ड। इंतजामिया का 50 लाख रुपए की अदायगी के बाद बकिया टैक्स अदा करने से इंकार। 31 दिसंबर तक मॉनिटरिंग करने के लिए रोजाना की सेल्स की बुनियाद पर टैक्स आइड किया जाएगा। जराए FBR। पाक अरब हाउसिंग स्कीम में आजी एपेक्स ग्रामर स्कूल की तकरीब, तकसीम इनामात। सूबाई वजीर तालीम मुराद रास की शिरकत, तालिबात की शानदार परफॉर्मेंस। खुश्क सर्दी में इजाफा, शदीद धुंध का राज बरकरार। शहर का दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कौमी शाहराह पर गहरी धुंध, रास्ते गुम। M4 पिंडी भटिया 12 घंटे बाद खोल दी गई। शहरी धुंध के दौरान गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, तर्जुमान मोटरवे पुलिस। तस्वीरें बोलती हैं, रंगों की जुबान। अल्हम्रा में गुलबर्ग कॉलेज के शोभा फाइन आर्ट्स का डिग्री शो। ऑयल और वाटर पेंट से कैनवस पर इंसानी रवैयों की शानदार अक्कासी।
हाजरीन ने तलबा की महारतों को खूब सराहा।